श्री राम का परम धाम अयोध्या। अयोध्या जहां विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ और मनुष्य अवतार लेकर भी राम भगवान कहलाए। इसी पावन नगरी अयोध्या के कण कण में भगवान राम के निशान बिखरे पड़े हैं और श्री राम को समर्पित एक ऐसा ही परम धाम है दशरथ महल। श्री राम के पिता राजा दशरथ का वो महल जहां राम लला और उनके तीन भाइयों का बचपन बीता। इस खूबसूरत महल को देखने के लिए और अपने आराध्य को पूजने हर साल राम भक्त श्रद्धालु यहां हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या, रामलला के मंदिर के संघर्ष का साक्षी अयोध्या। त्रेता युग काल में श्री राम ने भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप अयोध्या के धरती पर जन्म लिया और श्री राम के जन्म से अयोध्या की पावन धरती अति पावन और चिरंजीवी हो गई। लेकिन इसी अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व पर कई बार सवाल खड़े किए गए। रामलला के मंदिर को तोड़कर विदेशी आक्रांताओं ने अपनी पहचान खड़ी कर दी, लेकिन अब 500 सालों के इंतजार और संघर्षों के बाद श्री राम की नगरी अयोध्या दोबारा अपने पुराने रंग में आ चुकी है और पूरी दुनिया को इंतजार है भव्य अयोध्या मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का। लेकिन अयोध्या में एक ऐसा दिव्य महल है जहां श्री राम का बचपन बीता। माता पिता और भाइयों के साथ श्री राम ने बोलना और चलना सीखा और ये है सूर्यवंशियों और राजा दशरथ का विशाल और भव्य महल जिसे दशरथ महल के नाम से ही जाना जाता है। एक तरफ अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ही एक जगह ऐसी है जहां पर भगवान राम का बाल्यकाल बीता है, जहां पर वो अपने भाइयों के साथ खेले हैं। जी हाँ, आज भी यहाँ पर त्रेता युग की झलक दिखाई पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ राजा दशरथ के महल दशरथ महल की और आज अयोध्या में उसी दशरथ महल की कहानी और उससे जुड़ी तमाम सारी बातें हम आपको दिखाने वाले हैं। अयोध्या में दशरथ महल आने से पहले यानी कि दशरथ महल के भीतर प्रवेश करने से पहले आपको तकरीबन 3 द्वार पार करने होते हैं। ये मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे, दरअसल जैसे ही आप हनुमानगढ़ी से दशरथ महल की तरफ बढ़ते हैं तो ठीक सामने आपको एक बड़ा द्वार नजर आएगा और इसी को मुख्य द्वार कहा जाता है जहां से आप दशरथ महल के भीतर प्रवेश करते हैं। एक बहुत बड़ा परिसर, एक बहुत बड़ा प्रांगण दशरथ महल का आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगा। अब पहला द्वार पार करने के बाद यानी कि जब आप पहले द्वार से महल के परिसर में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद ये दूसरा द्वार आपको मिलता है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस दूसरे द्वार को पार करते ही जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो मेरे ठीक सामने आपको एक तीसरा द्वार भी नजर आ रहा होगा और उस द्वार को पार करने के बाद आप दशरथ महल का जो मेन प्रांगण है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। लेकिन इस तीसरे द्वार से पहले एक और बहुत आकर्षित करने वाली तस्वीर है वो आपको यहां नजर आएगी कि तीसरे द्वार में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको यहां पर संकट मोचन जय हनुमान यानी कि बजरंगबली जी का एक मंदिर नजर आ रहा होगा जहां पर सीताराम का लोग जाप करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये भी बेहद प्राचीन मंदिर है और इसके अलावा आप ठीक जब आगे बढ़ते हैं यानी कि ये जो तीसरा द्वार है इस तीसरे द्वार की तरफ आप जैसे ही आप इस तीसरे द्वार को पार करते हैं ठीक वैसे ही आप जो दशरथ महल का मेन प्रांगण है मुख्य प्रांगण है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। यही मुख्य प्रांगण है दशरथ महल का और उसके बाद जब अंदर की तरफ आप प्रवेश करते हैं तो वहां पर आपको भगवान राम अपने परिवार के साथ अलग अलग स्वरूपों में अपने जीवन काल के दौरान जो उनके अलग अलग स्वरूप रहे हैं उस मंदिर में आपको वो भगवान श्री राम अलग अलग स्वरूपों में नजर आते हैं। अयोध्या का दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है जहां देखने के लिए कई चीजें मौजूद हैं। आपको बता दें कि दशरथ महल हनुमानगढ़ी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कई बार जीर्णोद्धार भी किया गया। दशरथ महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में बदल चुका है। दशरथ महल में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यहां रहते थे और कहते हैं इसी महल में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था।
धार्मिक मान्यता है कि अयोध्या में स्थित दशरथ महल के आंगन में भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बाल्यकाल में यहीं पर खेला करते थे। इस वक्त मैं दशरथ महल के उसी आंगन में या उसी प्रांगण में मौजूद हूं जहां पर भगवान राम अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो यहां का प्रांगण दिखाएं। ये देखिए, जैसे ही आप राजा दशरथ महल में प्रवेश करते हैं तो ठीक एक बड़ा आंगन आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से आ रहा होगा और पौराणिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि इसी आंगन में भगवान राम अपने बाल्यकाल में अपने सभी भाइयों के साथ खेला करते थे। आज भी इस आंगन में उनकी मौजूदगी के तमाम सारे निशान मिलते हैं। आप जैसे ही इस आंगन में पहुंचते हैं, इस बड़े प्रांगण में पहुंचते हैं, तो आप कैमरे के माध्यम से जहां भी देख पाएंगे, ये देखिए, इस द्वार से जैसे ही आप दशरथ महल के भीतर प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा घंटा आपको बंधा हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम सारी चौपाइयां, उनके स्वागत की तमाम सारी चीजें आपको यहां पर लिखी हुई नजर आएंगी। ऐसी तमाम सारी चीजें, ऐसी तमाम सारी जो चीजें हैं वो यहां पर उपलब्ध हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि भगवान श्री राम इसी प्रांगण में भाइयों के साथ खेला करते थे। तमाम तरह की चौपाइयां, जैसे ये आप मेरे सामने देख पाएंगे कि अब ग्रह जाहू सखा सब, भजे हूं मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करे हूं अति प्रेम। और इसके अलावा जितनी भी यहां पर दीवारें हैं, आपको सब जगह सीताराम सीताराम ये सब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस प्रांगण में ही भगवान राम ने अपना बाल्यकाल बिताया। यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि राजा दशरथ का ये महल उनके यहाँ पर होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। और ठीक इसी तरह की तस्वीरें लगातार आपको राजा दशरथ के महल में देखने को मिल जाएंगी। माना जाता है कि दशरथ महल को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां लगी हुई। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा और रंगीन है। इस परिसर में काफी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहते हैं। दशरथ महल में राम विवाह, दीपावली, श्रवण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। बताइए कि दशरथ महल में आज भी ये कहा जाता है कि राजा दशरथ का महल हुआ था, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो बाल्यकाल था यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं वो खेले, यहीं वो बड़े हुए। जी, ये सत्य, ये शास्त्र प्रमाण है। हाँ। कि उनकी भूमि रही अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन, जा मंजन ते बिनय प्रयासा, मम समीप नर पाऊं ही भाषा। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, क्या आपकी सेवादारी है? हम श्री राम जी की सेवा करते हैं और करते रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक। अपनी बनावट और साज सज्जा के लिए दशरथ महल का विशेष स्थान है। साथ ही साथ दशरथ महल में भगवान राम के कई रूप के दर्शन होते। राम विवाह, वनवास प्रस्थान और राम राज्याभिषेक तक की प्रतिमाएं यहां स्थित हैं। ये बहुत दिव्य जगह मानी जाती है राजा दशरथ का महल। और तस्वीरों के माध्यम से एक बार मैं आपको अब भगवान के दर्शन भी करवा देता हूं कि आप देखिए जितने भी स्वरूप का वर्णन महाराज जी की तरफ से किया गया वो सारे स्वरूप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। अगर आप सबसे दाहिनी तरफ से शुरू करें तो आपको यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान नजर आएंगे। इसके अलावा ये ठीक सामने आपको प्रभु श्री राम काले स्वरूप में नजर आ रहे होंगे। और ये मान्यता है कि जब वनागमन से आने के बाद यानी वन से आने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो उस वक्त उनका वर्ण कैसा था वो दर्शाती हुई प्रतिमा यहाँ पर है। और उसके अलावा जब आप ठीक आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आपको विराजमान नजर आ रहे होंगे। और इसके बाद ठीक अगर आप बगल में जाते हैं तो उनके जीवन काल में किस किस तरह का परिवर्तन या कैसे उनका राज्याभिषेक किया गया उसको दर्शाती भी जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। और सबसे अंत में आपको हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। तो राजा दशरथ का महल जो ये है ये बेहद प्राचीन है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो उनके यहाँ पर मौजूद होने के प्रमाण भी देती हैं। और आप देखिए कि अभी जब इस वक्त मंदिर खोला गया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दर्शनार्थियों, जो दर्शन करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ फिलहाल इस महल में देखने को मिल रही है। और ये जो तांता है वो देर रात तक जारी रहता है और ठीक इसी तरह की तस्वीर दशरथ जी का जो ये महल है वहाँ पर तकरीबन रोज देखने को मिलती है। क्या महत्ता है महाराज जी इस पूरे इतने स्वरूप की भगवान के? अरे यहाँ के महत्व के बारे में हम क्या कहेंगे,
बरन न जाए रुचिरे अग्नाई जह खेलत नित चारों भाई। ये राजा दशरथ जी का वही महल है जहाँ चारों भैया नित्य खेला करते थे। इस महल के बारे में, इस आंगन के बारे में कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है। देवताओं के सिरताज राजा रामचंद्र जी यहाँ प्रकट हुए, कौशल्या माँ के गोद में प्रकट हुए। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या जी के गोद, कौशल्या माँ के गोद में यहाँ राम जी प्रकट हुए। महाराज जी कितने लोग आते होंगे रोज यहाँ दर्शन करने के लिए? कितनी यहाँ तो कईयों हजारों लोग नित्य आते रहते हैं। हाँ नित्य, और यही रास्ता है, चाहे दाएं से जाइए चाहे बाएं से जाइए, राम जन्मभूमि पीछे है यहाँ से लगभग 500 मीटर। नित्य जो लोग वहाँ जाते हैं यहाँ पहले होकर के तभी वहाँ जाते हैं। हाँ अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर किस तरह से पूजा होती है भगवान की? कुछ पूजा का विशेष नियम है? अब यहाँ तो चार बार आरती होती है। सुबह में आरती होती है, फिर दोपहर में आरती होती है, भोर शाम को आरती होती है, फिर शयन आरती होती है। चार बार आरती होती है। 22 तारीख को नए रामलला मंदिर में अनुष्ठान बगैर किसी बाधा विघ्न के पूरा हो जाए, इसके लिए भी दशरथ महल में विशेष अनुष्ठान हो रहा है। दशरथ महल में पिछले 18 सालों से रह रहे आचार्य विट्ठल पांडे भगवान शिव का अनुष्ठान कर रहे हैं। अभी इधर जो 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है बहुत जोर शोर से चल रहा है। आप मुझे बता रहे थे कि वहाँ भी अभिषेक होता है, आप यहाँ भी अभिषेक करते हैं? जी जी जी, वहाँ पर अभिषेक जो आज भगवान का जलाधिवास हुआ है, यहाँ पर राम जन्मभूमि निर्विघ्न निर्माण कार्य संपन्न होने के लिए बाबा राम शादीश्वर महादेव हमारे यहाँ दशरथ महल में, उनके अभिषेक 22 जनवरी तक नित्य प्रति किया जाएगा और वो किया जा रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि जितनी पूजा जितना अभिषेक राम जन्मभूमि में गर्भगृह में होगी उतना ही पूजा दशरथ महल में होगा? नहीं नहीं, प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना की व्यवस्था अलग है। यहाँ केवल अभिषेक इत्यादि महादेव की पूजा अर्चना की जाएगी, इसी रामलला की प्रेरणा है तो मैं कर रहा हूँ। मतलब कहने का ये हुआ कि वो निर्विघ्न पूरा काम संपूर्ण हो जाए इसलिए यहाँ पर महादेव की उपासना की जा रही है। तो कैसी पूजा कर रहे हैं आप लोग? विधिवत षोडशोपचार पद्धति से, और पूजन की दो पद्धतियां होती हैं, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। तो लघुत्रयी अंतर्गत षोडशोपचार मंत्रों से महादेव की पूजा होती है, जिसमें से खड़ंग शुक्ल यजुर्वेद का पूर्ण पाठ किया जाता है। माँ सरयू के जल से अभिषेक होता है, दूध से होता है, दधि से होता है, पंचामृत से होता है, कुशोदक से होता है, इत्यादि विभिन्न पदार्थों से भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। अयोध्या के बीचों बीच स्थित दशरथ महल राम भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। साथ ही दशरथ महल में सुबह 6 से 7 के बीच और रात्रि 9 से 10 के बीच में आरती होती है। लेकिन दशरथ महल में भक्तों की भीड़ हमेशा होती है। मंदिरों के कपाट बंद होने पर भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। मैं सर्वप्रथम 1990 में कार सेवक के रूप में आया था। प्रत्येक घर से एक ईटा का संदेश मांगा था, प्रत्येक घर में चंदा मांगा था। आज वो मेरी मनसा ठाकुर ने पूरी कर दी और मैं सशरीर संकल्प के साथ उस कर्मयोगी को प्रणाम करते हुए पूरे अवधवासियों को, पूरे मीडिया प्रभारियों को, पूरे सनातन प्रेमियों को, पूरे राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये भाव है, मैं यहाँ काफी दिनों से आ रहा हूँ, 30-40 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं इसकी, यहाँ की हर गतिविधि को मैंने मेरी आंखों से सब देखा है। दूसरी बात, मैं हर बार नवरात्रा करने की यही कोशिश करता हूँ और वही करता हूँ मैं। राम जी को, राम जी ने आपको बुला लिया यहाँ है? बिल्कुल बुला लिया नहीं, मैं तो गई साल तो मनरे को तैयार था, मेरे से चला नहीं जाता, देख लो आप, इससे चलता हूँ मैं। मैंने इतना कहा था ठाकुर जी को, मेरा और कुछ नहीं है, तू मेरे को मत, त्रेता में तो पता नहीं कीड़ा मकेड़ा कोई होगा, लेकिन मैं इस युग में, अब तू जब आने वाला है 22 तारीख को यही आने वाला है, तो वैसे मेरे हृदय में है, मैं उनकी शरण में रहता हूँ 24 घंटा, मेरे को और कुछ नहीं है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या उपहारों से भरती जा रही है। पूर्व पश्चिम उत्तर हो या दक्षिण, भारत के हर कोने से हर ओर से भगवान राम के लिए भेंट आ रही है, राम मंदिर के लिए उपहार आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा देश राममय हो चुका है, हर कोई राम की भक्ति के रंग में रंग चुका है।
हर कोई अवध को इस तरह सजाना सवारना चाहता है कि मानो इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की अयोध्या न देखी हो। 22 जनवरी को अयोध्या में आस्था का अलौकिक दृश्य होगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो शुभ वंदन होगा, रामलला का अभिनंदन होगा। 1500 साल बाद भारत में इतना भव्य अनुष्ठान होगा। 22 जनवरी को सरयू किनारे अवध में भक्ति रस की धारा बहेगी, भक्ति का भव्य भाव होगा, क्योंकि रामलला 500 साल बाद अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला के अनुष्ठान का कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पंचांग पूजन, कलश पूजन, वेद पुराण पारायण, कर्मकांड अनुष्ठान, भव्य मूर्ति की शोभा यात्रा, कलश यात्रा, अधिवास, न्यास पूजन होगा। मूर्ति और मंदिर देवतुल्य जैसा बना दिया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा, जिसको लेकर देश ही नहीं विदेश में भी उत्साह बना हुआ है। हर भारतीय रामलला के स्वागत में मगन हो रहा है। रामलला के राज्याभिषेक की तारीख तय होने के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। भक्त अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद अब इस दिन शुभ मुहूर्त भी निकाला गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का विशेष शुभ मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण होगा।